नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वे दुबई लेबर लॉ। जी हाँ साथियों, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, जिनका हेल्थ इंश्योरेंस जो कानून बना हुआ है 2013 में। और ये हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बार सैलरी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो वहां पे दराम मिलियंस में जाता है खर्चा, आप सबको पता है, आए दिन पेपर्स में या फिर आप न्यूज देखते रहते होंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं और बाय चांस आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए तो आपने जितना वहां कमाया वो सब लग जाएगा, फिर भी आपका इलाज नहीं हो पाएगा। समझ गए बात को? तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपका दुबई लेबर लॉ 2013 जो बना है उसमें क्या कहता है, डीएचए वहां का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो क्या कहता है, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। आपको अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और मान लीजिए कंपनी आपको अवैतनिक छुट्टी पे बैठा रखा है, आपको काम नहीं दे रही है, वो कोविड-19 की वजह से ये मान सकते हैं या वो कोई रीजन प्रभावित हो चुकी है कंपनी, लेकिन इंश्योरेंस के मामले में क्या, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। कौन कौन से आपके अधिकार बनते हैं, कंपनी को कौन कौन से कानून मानने पड़ते हैं, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड हर रोज आपको नए अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 2020 आपको साथियों पता ही है, पूरा मार्च से लेके अब तक पूरा निकल गया, 2021 का अभी तक अता पता नहीं है कि क्या होने वाला है। इसलिए सरकार ने 2020 में, मैं बता दूं, एक कानून बनाया था जिसमें धारा 279 में, जी हाँ, हालांकि ये कानून 2013 में वे सरकार बना चुकी थी, जो दुबई इंश्योरेंस लेबर लॉ जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें कंपनी को प्रतिबंधित किया गया है। आपके अधिकार उसमें बताए गए हैं कि भाई ये अधिकार अगर कंपनी आपके साथ कुछ करती है, कंपनी का मतलब बता दूं, कंपनी आपके साथ आपको अवैतनिक यानी बिना सैलरी दिए आपको मकान पे बिठा रखा है तो कंपनी की क्या जिम्मेदारी होगी। पहली बात, कंपनी आपको रहने के लिए जगह देगी, वो कंपनी का होगा, इंश्योरेंस कंपनी का होगा। मेडिकल इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो अगर आप बीमार हो जाते हैं तो वहां से आपको उठा के एयरपोर्ट हॉस्पिटल तक लेके जाना, आपका ट्रीटमेंट करवाना कंपनी की जिम्मेदारी होगी। जी हाँ, आपने देखा होगा कोविड के दौरान बहुत सारी कंपनियों ने आपको खाना भी दिया, तो ये भी जिम्मेदारी कंपनियों की होती है कि भाई वर्करों को आपने बिठा रखा है, कमाएंगे नहीं तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि ये सब ट्रीटमेंट उनको कंपनी की तरफ से मिलने चाहिए। जी हाँ, 2013 में जो कानून बना था उसमें भी ये बात बताई है, 2020 में कानून बना 279 में धारा में उसमें भी ये बातें बताई कि कंपनियों को ये चीजें देना वर्करों को बहुत जरूरी है। आगे हम बात करें साथियों, इसमें मैं बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कंपनी इन चीजों को फॉलो नहीं करती है, आपके साथ दिक्कत पेश आती है, तो आप इनकी शिकायत मोहरे में भी कर सकते हैं, वहां का जो डीएचए है, मेडिकल डिपार्टमेंट विभाग है, उसमें भी आप शिकायत कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में कंपनी अगर आप उनके खिलाफ शिकायत करते हैं, शिकायत में वो कंपनी दोषी पाई जाती है तो उसको 500 दराम से लेके बता दूं 1,50,000 दुबई दराम तक का उसको फाइन भरना पड़ सकता है। जी हाँ, और अगर कंपनी आपका मालिक नियुक्ता बार बार अगर गलती पे गलती करता जा रहा है तो 500,000 दुबई दराम तक का भी उसको फाइन भरना पड़ सकता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको अवैतनिक, आपको मान लीजिए बिना सैलरी के वहां पे कंपनी रख रही है, आप उसमें सहमत नहीं है, तो भी आप इसकी शिकायत मोहरे में कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। और स्वास्थ्य बीमा अगर आपको कंपनी प्रदान नहीं कर रही है तो भाई उसके लिए भी आप मोहरे में और डीएचए में आप दोनों जगह उनकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि कंपनी आपको अवैतनिक अवकाश पर रख सकती है, क्योंकि कंपनियां हवाला दे देती हैं किसी न किसी रीजन का, जैसे अभी 2020 में चल रहा है आपको पता है कोविड-19, सीधा सीधा बहाना है, तो कंपनियां बोलती है अनपेड लीव पे रहो या फिर अपने घर जाओ, तो आपकी भी एक मजबूरी हो जाती है। तो आपको आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।